नमस्कार दोस्तों, मून्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ छोले। छोले जो कि बहुत कम तेल में और कम इंग्रेडिएंट्स में बना रही हूँ। और देखिए मैं सब्जी जैसे छोले बना रही हूँ, कैसे बनाती हूँ, चलिए अब आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ। बनाने के लिए हमने एक कप छोले को पहले रात भर पानी में भिगो लिया, फिर उबाल लिया। उबाल के इसको ऐसे रखे हैं। उसमें चार आलू हमने छोटा छोटा उबाला है। उसमें हम डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट आधी चम्मच। एक प्याज को हमने काट लिया, थोड़ा बड़ा साइज का प्याज है, बारीक बारीक। थोड़ी सी हरी धनिया बाद में डालेंगे। हरी धनिया मिर्ची का पेस्ट जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, और इसका यूट्यूब में इसका वीडियो भी है मेरा, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। फ्रिज में रखती हूँ धनिया और मिर्च को पीस के। हरी मिर्ची धनिया वैसे ही कलर रहता है हमेशा। और उसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा तेज पत्ता, एक इंच सिरेमिक का ये टुकड़ा मीठी लकड़ी है, थोड़ी सी जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची, इतना मैं बघार में डालूँगी। और फिर ये टमाटर, एक टमाटर को हमने बारीक बारीक काट लिया है, काट के ही हम डालेंगे, पीस के हम कोई चीज़ नहीं डाल रहे हैं। इसमें हम रखे हैं ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर है 3 चम्मच, मिर्च पाउडर है आधी चम्मच, गरम मसाला है 1 चम्मच, और जीरे का, कच्चे जीरे का पाउडर है आधा चम्मच। ये मसाले में जाएगा। और नमक टू द टेस्ट होगा। और थोड़ी सी हम मतलब कलर के लिए डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये हम डालेंगे आधी चम्मच। गर्म हो जाएगा, इसमें हमने 2 चम्मच घी भी डाला है, शुद्ध घी, उससे सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो ये गर्म हो गया मेरा तेल, और की चीज़ें डालूंगी ये कि मैं आपको थोड़ी सी बघार में हींग जरूर डालती हूँ। मैं प्याज कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट आधी चम्मच, भूलेंगे लाल मिर्च का, ये में ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी शक्कर, और मसाला जल्दी भून जाए। और इसमें मसाला मेरा जल्दी भून जाएगा और कलर भी बहुत अच्छा आता है सब्जी का, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। शक्कर और नमक डालने से एकदम भून गया है, ये लाल हो गई प्याज, और अदरक लहसुन भी भून गया है। अब मैं इसमें डालूंगी मसाले, आँच को करूंगी धीमा। ये हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, और इसमें कच्चे जीरे का पाउडर है। अब इसको पानी डाल के हम भूनेंगे, तेल छोड़ते तक पानी डाल के भूनेंगे, थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। इसमें मैं 1/4 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी, 1/4 चम्मच ही डालूंगी, डालेंगे पानी। और मिर्च को भी हम अच्छे से, मसाले को हम, हमारा भूनना सबसे पहले मसाले को ही सबसे अच्छा भूनते हैं, इसलिए सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मेरा ऊपर आ गया है, अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई कटा हुआ टमाटर। अब इसको भी हम तेल छोड़ देकर पकाएंगे, छोड़ दिया है। अब मैं इसमें धनिया मिर्ची, हरी धनिया मिर्ची का ये पेस्ट डालूंगी, जो कि मैं हमेशा रखती हूँ। मिर्ची का, हरी धनिया मिर्ची का पेस्ट डालूंगी इसमें अब, और इसको भी अब थोड़ा सा पानी और डाल के पका लेते हैं। तेल छोड़ने लगा है, देखिए तेल ऊपर आ गया, इसलिए अब हम थोड़ी सी धनिया कटी वाली डाल देंगे, थोड़ी सी गार्निश के लिए रखेंगे, ताकि धनिया का टेस्ट इसके अंदर भी आ जाए। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी, और इसको चने को डाल के थोड़ी देर भूनूंगी, इस मसाले से थोड़ी देर भूनूंगी ढक के, और मसाले का टेस्ट इसके अंदर भिग जाए तब तक इसको ढक के पकाएंगे, डालेंगे इसमें। जब ये भून जाएगा, मसाले का स्वाद इसमें अच्छा हो जाएगा, तब मैं नमक से टेस्ट करूंगी, थोड़ा सा नमक कम होगा तो डालूंगी, अदरवाइज नहीं डालूंगी। पानी अभी मैं 1 कप डालती हूँ,
फिर जरूरत के अनुसार और डाल लेंगे। थोड़ा सा और लगेगा पानी इसमें, आधा कप और डाल देती हूँ बस। अब मैं इसको ढक दूँगी और नमक को पहले टेस्ट करूँगी, और नमक कम होगा तो नमक थोड़ा सा और डालूँगी। इतना नमक और डाल रही इसमें। सब्जी बनके तैयार हो गई है छोले, और बहुत अच्छा बना है छोले। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, गैस को ऑफ कर रही हूँ। इसमें धनिया से गार्निश कर दूँगी और मेरी सब्जी बहुत अच्छी बनके तैयार हो गई है। बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी। अब आप बनाइए, खाइए। अब मून्स किचन में लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को मेरे चैनल में शेयर करिए। छोले की सब्जी हमने बनाई है, छोला मसाला। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो।